हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। सो इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि ये पर्सन आजकल इतना बदलाव सा क्यों लग रहा है आपको, क्यों आपसे दूर दूर सा है, और आपको क्यों लग रहा है कि वो इंटेंशनली आपको अवॉइड कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो आपकी वजह से है या फिर कुछ और है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है, ये पर्सन आखिर आपको क्यों अवॉइड कर रहा है कैंसर। मैसेज फॉर कैंसर, फाइव ऑफ सोल्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वांड्स। ओके, तो कैंसर, थ्री ऑफ वांड्स, आई थिंक ये वो पर्सन है जो जानता है कि आप ऑलरेडी उनका हिस्सा बन चुके हैं। ये वो पर्सन है जो जानता है कि वो अब आपको भूल नहीं पाएंगे, या यूं कहो कि अच्छी तरीके से पता है इन्हें कि ये हमेशा आपसे कनेक्टेड रहने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ जैसा लगता है कि कुछ अचानक से ही बदल गया हो। ओके, ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा चाहता था कि आप दोनों साथ ही रहे और कभी ये पॉइंट ना आए आपकी लाइफ में जहाँ उन्हें सोचना पड़े कि क्या ये पॉसिबल होगा कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे। बट कोई ऐसा चेंज हो सकता है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन अभी तक बहुत कोशिश कर रहा था कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। मे बी आपको इसके बारे में पता ना हो, हो सकता है ये कोई ऐसी चीज़ हो जो हिडन हो, बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन सोच रहा था या कर रहा था, बट इन्होंने आपको कभी बताया नहीं। तो हो सकता है ये किसी तरीके के डिस्कशन के बारे में हो जो इनके और इनके फैमिली मेंबर्स के बीच चल रही थी, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हो सकता है लाइफ के कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो ये नहीं ला पाए और इन्हें लग रहा था कि ये ले आएंगे। जब शुरुआत में ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो इन्हें लग रहा था कि जो भी चीज़ें अभी अलाइन नहीं है या ठीक जगह पर नहीं है वो धीरे धीरे ठीक जगह पर हो जाएंगी। उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी किसी तरीके से, और हो सकता है कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई भी हो बिकॉज उन्हें लग रहा था कि उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ वो चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। तो बेवजह वो इन चीज़ों को क्यों डिस्कस करें, उन्हें लग रहा था कि वो वक्त के साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे और आप साथ होंगे। बट आई थिंक कुछ ऐसा है जो वो ठीक नहीं कर पाए, जिसके बारे में आपको पता नहीं, और अब इस पर्सन को लग रहा है जैसे सब कुछ उनके हाथ से निकलता जा रहा है। अगर आप इस सेवन ऑफ सोर्ड्स वाले कार्ड को केयरफुली देखें तो लगता है जैसे कि कुछ एक्सीडेंटली चेंज हो गया हो, कुछ अचानक से ही बदल गया हो। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि सब कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और आई थिंक इस पर्सन को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहा कि वो कैसे डील करे चीज़ों से। ऑल्सो ये शर्मिंदा भी है कि ये आपको इस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो आपको सिक्योर नहीं फील करा सकते, वो आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे जिसके आप हकदार हैं। ये पर्सन इस वक्त साइलेंट इसलिए है क्योंकि वो क्लूलेस है। जैसे उन्होंने चीज़ों को प्लान किया था वैसे चीज़ें हुई नहीं, और अब उनके पास संभलने और संभालने को लगता है जैसे कुछ है नहीं। उन्हें लग रहा है सब कुछ ऑलरेडी हाथ से निकल गया है, जैसे कि मैंने कहा अभी अभी कई बार मैं सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ बिकॉज वही एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है और कई बार नजर आती है। तो सेवन ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि इस पर्सन का जैसे कोई इल्यूजन टूट गया हो, कोई भ्रम जिसमें ये जी रहे थे। इन्होंने एक पिक्चर पेंट की थी जो परफेक्ट थी, जिसमें आप दोनों साथ थे, बट अब वो पिक्चर उन्हें लगता है कि वो रियलिटी में नहीं बदल सकती। और ये पर्सन अभी कुछ नहीं समझ पा रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे, आपको क्या जवाब दें, और इसलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। ओके, यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है मुझे।
तो ये पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि वो मूव ऑन कर जाए, हो सकता है आपको अवॉइड करते करते चीज़ें बदल जाएं और शायद आप दोनों ही एक दूसरे को भूल जाएं। ये पर्सन जानता नहीं कि वो आपसे कहे तो कैसे कहे कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल था और वो आपसे कुछ छुपा रहे थे और यू नो इनको आपका प्यार चाहिए था इसीलिए उन्होंने ये सब किया। वो जानते हैं कि ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और गलती उनकी है। तो यह पर्सन पास्ट की तरफ मुड़ के देख रहा है बार बार। आपको अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या आपको भूल गए हैं, कनेक्शन है वहां पे। ये पर्सन पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है और सोच रहा है कि काश वो वक्त को दोबारा मोड़ सकते और चीजों को डिफरेंटली करते। यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है जैसे इस पर्सन के लिए इस वक्त खुद को सेफ रखना ज्यादा जरूरी है। ओके, ये पर्सन सोच रहा है कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एक तरफ ये पर्सन आपको अवॉइड इसलिए कर रहा है ताकि उन्हें नो ना कहना पड़े, दूसरी तरफ ये पर्सन अपनी लाइफ में चीजों को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश कर रहा है। लगता है जैसे एक डोर ओपन रखना चाहते हैं कि अगर कभी वो चीजों को बदल पाए तो वापस आ जाएंगे, अगर वो नो नहीं कहेंगे तो उनके लिए हमेशा कोई ना कोई चांस रहेगा। तो इस तरह की चीजें ये पर्सन सोच रहा हो सकता है। बहुत सारे वॉन्ट्स हैं आपके कार्ड पे, कैंसर, तो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो शुरुआत में बहुत पैशनेट था और बहुत इंटरेस्टिंग भी, बट चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। सो ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो साइन तो कोई भी हो सकता है एंड ये सबसे रेजोनेट भी नहीं होगी क्योंकि एनर्जी रिवील्स हो सकती है, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर है तो। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पूरा साइलेंस हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपसे कुछ भी कहना नहीं चाहता और ये पर्सन इस साइलेंस को कुछ वक्त तक यूं ही रखने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर सकते हैं। इनकी फीलिंग्स फेड हो जाएगी वक्त के साथ। इनके लिए इस वक्त जरूरी है कि ये अपने कंफर्ट जोन में रहे या जो चैलेंजेस हैं अभी उनसे डील करें। इन्हें लगता है कि अगर कुछ पॉसिबल नहीं है तो इन्हें कोशिश भी नहीं करना चाहिए उसे पॉसिबल बनाने की, मतलब इनकी नजर में इम्पॉसिबल है। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल सा है यहाँ पे। द वर्ल्ड की कार्ड के साथ ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि आप दोनों दोबारा साथ हो और दोबारा चेंजेस आए, बट उन्हें पता नहीं है कि वो चेंजेस वो ला सकते हैं या नहीं, इसलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है और सोच रहा है कि शायद उन्हें वेट करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन दोबारा आपके क्लोज आना चाहेगा, दोबारा आपको पाना चाहेगा। उन्हें पता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, बट फॉर नाउ इस पर्सन को लगता नहीं कि ये पॉसिबल है और इसीलिए वो इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है और जब भी ये कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं उनके दिमाग में बस आप ही होते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर पॉसिबल है, आपके साथ ही चीजें बेटर हो सकती हैं। तो इसीलिए अभी भी ये पर्सन इस पर गिव अप नहीं करना चाहता और इसीलिए अभी कुछ भी क्लियरली ये आपसे कह भी नहीं रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैंसर। मेडिसिन वुमन। मेडिसिन वुमन का मतलब है कि आप इस पर्सन के लिए जरूरी हैं। ये पर्सन आपकी वजह से हील हो रहा था, ये पर्सन आपकी वजह से लाइफ को वैसा देख पा रहा था जैसे उन्होंने कभी पहले नहीं देखा। उन्हें लाइफ बेहतर लगने लगी थी। इस पर्सन के लिए आप जरूरी हैं और ये पर्सन मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा दिन तक अवॉइड कर पाएगा।
कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा यहाँ पे, बिकॉज ये कोशिश जरूर करेंगे कि इन्हें इस रिलेशनशिप पे गिव अप ना करना पड़े. ओके, सो यह है रीडिंग इस बारे में कि वो आपका अवॉइड क्यों कर रहे हैं. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.